हेलो दोस्तों, मार्विस रोबोटिक्स के DIY प्रोजेक्ट्स लैब में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक साउंड बॉक्स कैसे बनता है और इसे बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस ऑडियो एम्पलीफायर किट के बारे में। सारा वायरिंग इसी पे होना है और ये आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आसानी से मिल जाएगा। इसकी प्राइस 50 से 60 रुपये के बीच है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, 5 वोल्ट का स्लॉट, यहां पे आप चार्जर भी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं जो कि रिचार्जेबल हो। फिर आप यहां पे एक देख रहे हैं 3 स्लॉट बना हुआ है, यहां पे आप 3.5 mm का जैक लगाएंगे जो आपके फ़ोन में इन होगा। फिर आप यहां देख सकते हैं 2 सेक्शन बना हुआ है, 2 स्पीकर के लिए है। आप चाहे तो यहाँ पे एक स्पीकर भी लगा सकते हैं या फिर 2 स्पीकर लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। और जो आप यहाँ IC देख रहे हैं, सारा मेन काम इसी का है, इसी मेन IC का सारा काम है। अगर आप चाहें तो आप खुद का सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं, ये रेडीमेड है। इसके बाद ये स्पीकर छोटा सा, ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप में ही मिल जाएगा। ये स्पीकर आप उस किट में कनेक्ट करेंगे, इसके वैल्यू आप यहां देख सकते हैं 4 ओम और 3 वाट। याद रखिए आप इसी वैल्यू को ही ले, अगर इस वैल्यू को अगर आप नहीं लेते तो आपका किट पे इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद फिर आप कोई भी 4 वोल्ट का बैटरी ले ले इसे उस किट में सप्लाई देने के लिए। ये 4 वोल्ट का है छोटा सा। फिर ये 3.5 mm का जैक जो आपके फ़ोन में इन होगा, और इसे आप ये 3 वायर के जरिए से आप उस किट पे कनेक्ट करेंगे। फिर आप कोई भी एक चार्जर ले ले 5 वोल्ट का, मैंने यहाँ रेडमी का चार्जर लिया है। उसके बाद फिर कोई भी आपके पास अगर ख़राब केबल है तो इस पे इन करने के लिए, और इसमें से 2 वायर निकलेगी, एक ब्लैक और एक रेड। ये आपका रेड पॉजिटिव है और ये आपका ब्लैक नेगेटिव है। इसे हम बैटरी में कनेक्ट करेंगे रिचार्जेबल बनाने के लिए, या फिर आप डायरेक्ट चाहे तो उस किट पे ये कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले स्पीकर को कनेक्ट कर रहा हूँ। स्पीकर पे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ब्लैक पॉजिटिव रखा है, यहाँ पॉजिटिव का सिंबल भी है, और ब्लू मैंने नेगेटिव रखा है, यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल है। तो इसे मैं सबसे पहले ये किसी एक स्लॉट में मैं यहाँ इसे कनेक्ट कर देता हूँ। दोनों में अगर आप चाहे किसी में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सेक्शन में। तो मैं यहाँ लेफ्ट वाले पे करूँगा, ये हमारा ब्लैक वाला पॉजिटिव है और ब्लू वाला नेगेटिव। फिर हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे इस 5 वोल्ट वाले स्लॉट पे। बैटरी पे मैंने येलो वाला मैंने पॉजिटिव लिया है और ब्लू वाला मैंने नेगेटिव लिया है। तो इसमें हमारा स्पीकर और बैटरी कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद फिर हम ऑडियो जैक कनेक्ट करेंगे। ऑडियो जैक कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे आप देख ले ये कौन कि इसकी वायर कौन सी है, इसकी और इसकी कौन सी है, जिसे हम मल्टीमीटर के जरिए चेक करेंगे। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे पहले सेट कर ले, कंटिन्यूटी का मतलब है कि
दोनों वायर अगर सेम हो तो बीप की साउंड सुनाई देगी, जैसा कि यहाँ पे हल्का सा आ रहा है। तो इसका वायर ये टॉप वाले का ब्लू वाला है और मिडिल वाले का येलो है। और फिर लास्ट वाले का ब्लैक है। तो इस किट में टॉप से शुरू करते हैं, सबसे ऊपर वाले से। यहाँ ब्लू वाला जाएगा, यहाँ येलो और यहाँ ब्लैक। इस बैटरी को रिचार्जेबल बनाने के लिए हम इस चार्जर को इस बैटरी में कनेक्ट करेंगे, जिससे ये बैटरी चार्ज हो सके। ये रेड वाला हमारा पॉजिटिव है और ये ब्लैक वाला नेगेटिव, जो मैं डायरेक्टली इसे इस पे कनेक्ट कर दूंगा और इसे मैं बैटरी को चार्ज कर सकता हूँ। तो मैंने बैटरी को चार्ज करने के लिए इस चार्जर पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। इस बैटरी को अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक चार्ज करें, इतना काफ़ी होगा। यहाँ पे आप इस बैटरी के कोई भी एक टर्मिनल में एक स्विच लगा दें। इससे क्या होगा कि आप अपने किट को जब चाहे ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। यह अभी डायरेक्ट कनेक्ट है, मतलब कि इससे अभी आपका किट जो है हमेशा ऑन रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक स्विच लगा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक टर्मिनल को कट कर दिया है, मैंने येलो को कट किया है और मैं इसे स्विच पे कनेक्ट कर दूँगा। तो चलिए टेस्ट करते हैं हमारे साउंड स्पीकर को। काफ़ी सॉफ्ट बज रहा है, काफ़ी सॉफ्ट साउंड है इसकी। और इसे मैं यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ बैटरी को चार्ज कर रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। आप इन सारे पार्ट्स को अपने तरीके से असेंबल कर सकते हैं, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोस्तों, इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। और प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।